वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम अंबुजा सीमेंट स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अंबुजा सीमेंट स्टॉक की बात की जाए तो 574 पे यहाँ पे आप देख सकते कि क्लोजिंग दी थी फ्राइडे के दिन। तो यहाँ पे हम लोग फंडामेंटल नंबर चेक करने वाले हैं अंबुजा सीमेंट स्टॉक के लिए। तो स्टार्ट करते हैं मार्केट कैप से। तो मार्केट कैप जो है 1,13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 574 का है, 52 वीक का है, 52 वीक लो भी यहाँ पे देख सकते हैं। स्टॉक का पी रेशियो जो है 62.2 का है, बुक वैल्यू ₹129 का है और डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 1.10% का डिविडेंड यील्ड है। आरओसी की भी बात की जाए तो देख सकते कि 22% का आरओसी है, रिटर्न ऑन इक्विटी 11% है, फेस वैल्यू ₹2 का है। तो देखा जाए तो देख सकते कि डेब्ट की बात की जाए तो 475 करोड़ का डेब्ट है, नेट प्रॉफिट जो है 2200 करोड़ का है, ईपीएस जो है ₹9 का है। तो एक साल में 43% का रिटर्न भी दे चुका है स्टॉक ने। प्रॉफिट ग्रोथ में गिरावट देखने को मिले 44% की। फिर यहाँ पे देख सकते कि तकरीबन प्रॉफिट में तो 44% की गिरावट देखने को मिले। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 सालों से 8% ऑफ है। सेल्स की बात की जाए तो देख सकते कि तकरीबन 30,000 करोड़ के सेल्स है। सेल्स ग्रोथ जो है 6% ऑफ है। सेल्स ग्रोथ पिछले 3 सालों में 3.61% ऑफ है। इन्वेस्टमेंट की भी बात की जाए तो 206 करोड़ के इन्वेस्टमेंट है। तो रिसेंटली देख सकते कि टोटल एसेट जो 45,000 करोड़ के, डेब्ट टू इक्विटी देख सकते 0.02 जो कि अच्छी खासी डेब्ट टू इक्विटी है। ईबिटा 23.9 का है, इक्विटी कैपिटल 397 करोड़ का है, डिविडेंड पे आउट 45% का है। प्रोमोटर जो होल्डिंग है वो 63% है, वो पूरी की पूरी प्लेज है जो कि अच्छी बात नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले 5 सालों से देखा जाए 2200 करोड़ एवरेजली मिलता है। तो ये थे लेटेस्ट फंडामेंटल अंबुजा सीमेंट के लिए।